हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप इस दहलीज पर आ चुका है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का सबको इंतज़ार है। भारत ने तो आयरलैंड को हरा दिया और अब इंतज़ार हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का। तो आपको पता ही है, पाकिस्तान को हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था और विराट कोहली ने किस तरीके से हराया था। उससे पिछले वर्ल्ड वो ज़्यादा पुराना हो गया, वो पुराना हो गया। उससे पहले भी हमने ही हराया था उनको। तो ये बीच में एक मैच ज़रूर जीत गए थे पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद फिर अगले वर्ल्ड कप में पता। अब ये फिर वर्ल्ड कप आ गया। मेरे साथ हैं सनाउल्लाह खान, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मेरे साथ अनस सईद हैं, ये भी पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ से ये रिपोर्टिंग करते हैं। तो पाकिस्तान की टीम कैसी है इस वर्ल्ड कप के लिए? क्या वो इंडिया को टक्कर दे पाएगी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्या वो इंडिया को टक्कर दे पाएगी, उस लेवल तक पहुँच पाएगी, बड़ा सवाल है। तो सबसे पहला सवाल मेरा सना भाई आपसे, ये आप आज़म खान को जो लाए हैं, ये डराने के लिए लाए हैं या खिलाने के लिए लाए हैं? आप मुझे एक ये बात बताइए कि टक्कर कैसी रहेगी, ये आज़म खान कैसे? आप आज़म खान को बहुत हल्का ले रहे हैं, ठीक है। उनसे हल्का कहाँ ले रहा हूँ मैं, 150 किलो का ले रहा हूँ उनको यार, हल्का थोड़े ना ले रहा हूँ मैं। हल्का कहाँ से है आज़म खान, कहाँ से हल्के हो गए यार? हल्के तो विराट कोहली हैं। आप ज्यादा हल्के हो रहे हो अब। हल्के तो यशस्वी जायसवाल हैं यार, आज़म खान थोड़े ना हल्के। मेरी बात सुनिए, आज़म खान हमारे अच्छे पावर हिटर हैं और मिडिल ऑर्डर के अंदर PSL के अंदर सबसे अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। अगरचे एक और दो बल्लेबाज भी थे, बट आप जब टीम के अंदर आए तो हम हमारे खिलाड़ी हैं, वो हम उनका साथ खड़े हैं। और आप देखिएगा आप क्या करते हैं, आपके कुलदीप यादव खिलाएंगे ना आप लोग। आपको याद है वो 2019 में सरफराज जा रहे थे तो एक ने कहा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, लोग बर्गर खा रहे हैं, लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं देखा कि लक किस पे रहा, वो खा कोई और रहा है, लक किसी पे रहा है? हां, आज़म पे लग गया सारा। उस वक्त से आज़म खान हमने इस दिन के लिए आज़म खान को हमने टीम में रखा था। ये इंडिया पाकिस्तान के 9 जून के मैच के लिए कुलदीप यादव जो आप हमारे खिलाफ खिला देते हैं ना, अब दोबारा नहीं खिलाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आज़म खान के पास उनका तोड़ है, आज़म खान के पास उनका तोड़ भी और जोड़ भी है। ये अनस से पूछ लें, आज़म खान आप देखिएगा क्या खेलता है वो। अच्छा, स्पिनर्स को स्पिनर ना लगा दिएगा, अब लगाना है स्पिनर आपने हमारे। आज़म खान के खिलाफ आपने स्पिनर लगाना है अब हमारे, ये मैं आपको बता दूं। आपका रोहित शर्मा के साथ की बड़ी दोस्ती मुझे पता है, बड़े हेलो हाय हो रही होती है, तो रोहित भैया को बोलिएगा शर्मा जी आप प्लीज आज़म खान के सामने सिर्फ 2 ओवर स्पिनर्स का लगा दीजिएगा, उसके बाद मैच में आप चंद तारे देखिएगा, खत्म कर देंगे आप, देखिएगा फिर होता क्या। चलिए दावा कर रहे हैं, देखिए आज़म खान दावा नहीं कर रहा, आज़म खान ही समझ रहे हैं, इमरान खान समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरी। लेकिन मेरे साथ अनस है। अनस मेरे भाई, पाकिस्तान का आपने मैच देखा होगा जो पिछला वर्ल्ड कप का था, अच्छा खेली पाकिस्तान की टीम, लेकिन विराट कोहली उनके ऊपर भारी पड़ गए। अभी इस बार आपको पाकिस्तान की टीम कैसी नजर आ रही है, क्योंकि कप्तानी का भी मसला रहा, मतलब बाबर आजम थे हट गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी बन गए, फिर पता लगा उनके तो इंजरी की इतनी प्रॉब्लम होती है, कभी ये वाली टांग कभी वो वाली टांग, तो फिर बाबर आजम आ गए, तो अब क्या होगा? देखें, आपने जो शाहीन की बात की है वहाँ से शुरू करूँगा, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शाहीन उस तरह फॉर्म में नहीं है जिस तरह 2021 में हमने देखे थे, अभी उस तरह नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो अभी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो बॉल अंदर डालना जानते हैं वो 21 में डाले थे, वो 24 में भी डालना जानते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि अब पाकिस्तान की टीम को कहाँ रेट करते हैं, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान की टीम को एक आधी जीत की ज़रूरत होती है, एक आधी हार की जरूरत होती है, उसके बाद वो जीत की उसके बाद वो चल पड़ते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो यहाँ पे हमने पिचेस देखी हैं उसकी वजह से मुझे यहाँ पे लगता है न्यूयॉर्क के पिच की वजह से कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। कैसे? एक तो ये बॉलिंग पिच है, ठीक है, और दूसरा हमने देख लिया है कि जो के बॉलर्स यहाँ पे बॉल कर रहे थे, आज आयरलैंड के बॉल भी अच्छी बॉल फेंक रहे थे, तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग एंड अच्छा है, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और जिस वजह से पाकिस्तान मुश्किल में डालेगा। और अर्ली ऑन हमारी 1-2 विकेट शाहीन ने ले ली तो आप गए, हम गए। अच्छा, तो ये शाहीन के ऊपर जो प्रेशर था, कप्तानी का ज्यादा प्रेशर था या शादी उनकी नई नई हुई थी उसका ज्यादा प्रेशर था कि जिसकी वजह से फिर हट गए? कप्तानी तो एक किया ना, सिर्फ एक सीरीज में किया, वो तो इतना लॉन्ग चले भी नहीं है, उन पे तो प्रेशर कोई इतना खास नहीं है, एक सीरीज में किया न्यूजीलैंड, वो तो हम हार गए। शादी का क्यों कंटिन्यू नहीं रख पाए वो एज ए कैप्टन, क्यों नहीं रखा पाकिस्तान? उनको हटा दिया ना, वो थोड़ी नहीं रख पाए, वो तो चाहे मतलब वो तो उनको देते तो रखते, वो उनसे ली गई ना, वापस ले गई, वही तो मैं कह रहा हूं क्या मसला हो गया ले रहे हो। मेरी बात सुनिए, जब से शाहीन वापस आए हैं अब तक सबसे ज्यादा विकेट किसकी है मुझे नहीं पता, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। अगर ये विराट कोहली का रिकॉर्ड होता तो इनके फिंगर टिप्स पे होता, ये शर्मा जी के बेटे का होता तो इनके फिंगर टिप्स पे होता, ये शाहीन अफरीदी का है, कोई खिलाड़ी 2 मैच खेल रहा है, 2 में इंजर्ड हो जा रहा है, क्या उसका हम रिकॉर्ड? अच्छा चलिए ये बताइए मुझे कि वर्ल्ड कप के बाद अब तक शाहीन कितनी बार इंजर्ड हुए? वर्ल्ड कप 2022 के बाद अब तक? हाँ, मेरे ख्याल से शायद एक बार हुए। कब? एक सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड वाली, उससे पहले हुए थे शायद। कहाँ? पाकिस्तान में जो हुई थी नहीं हुए?
चलिए आप बताइए चल रही है वो श्रीलंका वो श्रीलंका उसके बाद हुए नहीं है सारे मैच लगातार दो वर्षों से वो खेल रहे हैं। चलिए खैरियत ठीक है बढ़िया अच्छी बात। बोलिए पहले आप बोलिए कि रविश बिश्त बोलिए ना रविश बिश्त नहीं चलिए हो जाता है यार चलिए नहीं हो जाता ध्यान नहीं है मैं यार अभी शाहीन शाह रविश भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जैसे हम एक फन कर रहे हैं और इंडिया की टीम बहुत तगड़ी इसमें कोई शक नहीं ऑन पेपर बट मैं मुझे ये लगता है कि जब पहला बॉल डलता है ना जब टॉस हो जाता है पहला बॉल डलता है उसके बाद इक्वल हो जाती टीम क्योंकि फिर ना मैच शुरू हो जाता है जब ये बातें जो सब हम लोग करते हैं ना वो तगड़ा आजम खान तगड़ा ये सब देखिए कुलदीप यादव मुझे बहुत पसंद बॉलर हैं। मैं 2023 के अंदर बोल रहा था कि जो जोड़ी बनी थी ना कुलदीप यादव के साथ आते थे रविंद्रा कमाल जोड़ी इसमें कोई शक नहीं अभी भी बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कुलदीप यादव को पाकिस्तानी बल्लेबाजों में सबसे अच्छा अगर कोई खेल सकेगा ना तो वो आजम खान है। अब ये आजम खान साहब मेरी तुसी बिस्ती ना करा दी तो लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो आजम खान जो है ना नोट कर लिए कि जो आजम खान कह रहे हैं कि कुलदीप यादव को खेलेंगे चले देखते हैं कि बाबर आजम खेलते हैं या आजम खान खेलते हैं या दोनों को ही कुलदीप यादव निपटा देते हैं। बट यार एक बात बताओ मुझे पाकिस्तान टीम के साथ एक बड़ा मसला भी रहा है वो है इमाद वसीम और बाबर आजम का मसला। ये मसला पाकिस्तान ने सुलझा लिया है ये या मसला अभी बस ऐसे ही पैचअप कराया गया है? ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम चलती रहती है प्लेयर के साथ, बाबर आजम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, लेकिन जब अब फील्ड में आ जाते हैं बाबर ने कहा तब यही है एक है तब एक है दिल चले हैं या क्या है? इनके अब्बा अम्मा हमारे जो अंकल आंटी हैं घर में कोई अहम बात करनी हो ना इनको घर से बाहर निकाल देते हैं, जब बेटा तू जाकर कुछ चीजें ले आ। और आप इसको इमाद वसीम बाबर आजम की लड़ाई का पूछ रहे हैं? ये जर्नलिस्ट हैं यार वो क्यों नहीं बताएंगे? नहीं मैं लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहता हूं, मुझे पसंद नहीं है खून खराब भाई, मुझे पसंद नहीं है मैं दूर रहता हूं। लेकिन आपने इन्होंने वैसे फजूल बात की है, फजूल ही करते हैं ज्यादातर। हां यार मुझे पूछ रहे हैं पूरा शाहीन की इंजरी और वो कर देखो ये भाई ये भी बाबर आजम और इमाद वाला ही सीन है इनका भी। हाँ बताओ। नहीं वही बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि ये जी है नोकझोंक है वो, अब लोगों को मसला नजर नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब वो टीवी पे एज एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आमिर हो गया इमाद हो गया उनके साथ तब प्रॉब्लम्स हैं, तो टीवी पे आप बैठते हो तो आपने उल्टा ही बोला तो आपको वो रखेंगे, अदरवाइज अच्छा अच्छा बोलोगे तो कौन रखेगा? तो वहाब अब्दुल रजाक जो आपके सिलेक्शन कमेटी में है तो वो भी बोलते रहे हैं बाबर के खिलाफ। अब ये तो नहीं अब खिलाफ है तो ये रजाक ने खुद कहा था कि यार वो टीवी पे जरा और होता है क्योंकि जरा थोड़ा सा क्रिटिज्म करें तो फिर वो टीवी वाले भी उठा लेते हैं, आजा भाई अच्छा बोल लेता है, पॉजिटिव कौन सुनता है आपको बजाय नेगेटिव, नहीं नेगेटिव है ना साथ बैठे हैं तो इनको लोग सुन लेते हैं, पॉजिटिव हम करते हैं हमारे व्यूज भी नहीं आते। खैर ये बात है तो अभी कुछ इतना खास मसला नहीं है। देखो ये बताइए कि ये हमारे साथ सना भाई हैं और सना भाई ने एक बार मुझे कहा था कि मोहम्मद आमिर जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया के जो टॉप ऑर्डर को हिला दिया था और पाकिस्तान वो जीता था उसके बाद उन्होंने जब बाद में खेला आमिर ने तो इन्होंने कहा यार आमिर अब वो आमिर नहीं रह गया है, अभी वो आमिर है ये T20 क्रिकेट के लिए नहीं है? देखिए अगर आप दिमागी तौर पर बोलें तो वो आमिर आज भी हैं, उन जैसे बॉलर नहीं है, लेकिन आप फिजिकली उनके दिमाग का आंसर उनकी बॉडी वैसा करेगी या नहीं करेगी उसका जवाब है कि शायद नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी जैसे वो 2017 में थे। 7 बरस हो गए हैं और आमिर इतने अच्छे से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेले हैं, लीग खेले हैं, ऑफकोर्स वो वाले आमिर नहीं है। बट मैं ज़्यादातर वजह समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी हमारे लीडिंग बॉलर होंगे, एग्जैक्टली आमिर नहीं है। और देखिए ऑन द डे मैच में हाँ जब डेथ ओवर शुरू होंगे तो मुझे लगता है कि आमिर एक अच्छा यू नो के रोल प्ले कर सकते हैं, बट अगेन आप नसीम शाह को रूल आउट मत कीजिए। मुझे लगता है कि नसीम शाह हमारे वो बॉलर ना, खुद मोहम्मद आमिर को भी पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स में सबसे अच्छे नसीम शाह लगते हैं कि वो अंदर बाहर दोनों अच्छे बॉल डालते हैं। हाँ डेथ ओवर में थोड़ी सी उनकी खामी लगी है कि वो थोड़े रन। हारिस खेलेगा इस बार? हारिस विराट के साथ खेलेगा मतलब? हाँ तो खेले तो क्या हुआ, देखिए अगर आप मजाक से कह रहे हैं तो ठीक है चलता है मजाक, बट आप हारिस रऊफ को वहाँ ले रहे हैं जहाँ मेलबर्न में उनको रन हुए। आप हारिस रऊफ का जो स्पेल उन्होंने दुबई में किया विराट के सामने, कितने ओवर स्कोर दिया था लास्ट ओवर में उन्होंने मालूम है आपको? 7। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्या बोला उस दिन नवाज ने अच्छा खेला, मैन ऑफ द मैच नवाज था, लेकिन विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असल फर्क किसने डाला तो वो आखिरी ओवर हारिस रऊफ का था। हम थे वहां पे मैच में। तो देखिए आपको जीत भी मिलती है हार भी मिलती है, यही तो लाइफ। यार कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कुछ जख्म ऐसे होते हैं यार वो भरते नहीं है ना, इनका मसला नहीं अपनी वाली बात याद रखते हैं हमारी वाली भूल। यार कुछ 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 ऐसे जख्म होते हैं जो भरते नहीं है ना यार, वो मैच ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीत रहा था और उसमें हारिस रऊफ पिट गया, अब जैसे शाहीन शाह अफरीदी को मैथ्यू वेड ने मारा, तो कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो याद रहते हैं। देखिए एक तो वो कैच पकड़ लेता, ठीक है, एक बड़े मैच वो दौड़ के आया था। सुनिए एक बड़े मैच में अहम सिनेरियो पे आप बड़े क्रिकेटर का जब कैच ड्रॉप करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। अगेन मैं मानता हूँ कि शाहीन को 3 छक्के नहीं खाने चाहिए थे, मगर उसी पिच पे उसी मैच में उसी कंडीशन में मिचेल स्टार्क दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर, उसको हमारे फखर जमान ने भी 3 छक्के लगाए, ठीक है? तो आप शाहीन को देख रहे हो उसी कंडीशन में, स्टार्क ने भी खाए और शाहीन ने उससे बाद में बॉलिंग की,
यानी उस वक्त कंडीशन आपको मालूम है दुबई के अंदर आप वो पड़ता है ड्यू पड़ता है और सेकंड बॉलिंग और मुश्किल होती है, और पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप के अंदर वही टीम थी जिसने उस कंडीशन के अंदर यानी सेकंड बॉलिंग के अंदर हमने काफ़ी हद तक मैच को फंसा के रखा था, अदरवाइज तो सब टीमें सेकंड बॉलिंग में हार रही थी। पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए आप। तो अब आपको लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पाकिस्तान के लिए, जो सारे फास्ट बॉलर्स आपने गिना दिए कि नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, और भी कोई अब्बास अफरीदी और इसके अलावा भी कोई नहीं और लेके नहीं आए हम अभी मोहम्मद कोच में कोई हो मोहम्मद हाँ अजहर महमूद कोच है हमारे बॉलिंग कोच हैं। अच्छा भाई, तो ये सारे मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो इंडिया पे भारी पड़े। देखिए मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ शायद इस पिच पे डिपेंड करता है, मतलब जो न्यूजा की पिच कैसी होगी, बट मुझे लगता है कि शायद चार फास्ट बॉल खिला देने चाहिए क्योंकि हमारे स्पिनर नहीं है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान मजबूरन चार फास्ट बॉल की तरफ जा सकता है। चल आप थोड़ा बैटिंग के बारे में बता दिए, साइम अयूब जो नए प्लेयर हैं उनके बारे में काफ़ी चर्चा है कि अच्छे प्लेयर हैं वो, तो उनका कुछ स्पॉट बनेगा क्या इस वर्ल्ड कप में, वो बता पाएंगे कि यस पाकिस्तान के पास एक यंग नया एक और नया लड़का सुपरस्टार आया है, या आपको लग रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान की बैटिंग डिपेंड करनी है रिजवान और बाबर के खेल पे और नीचे फिर फखर जमान आ गए और इफ्तिकार भी हैं वैसे आपकी टीम के पास है ना, लेकिन ये बेसिकली जो टोन सेट करेंगे वो रिजवान और बाबर करेंगे। देखें साइम के बारे में काफ़ी ज़्यादा उनको रेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं काफ़ी रेट कर रहे हैं उनको और साइम अयूब पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि शायद साइम को ना खेलाएं इतने बड़े मैच में, मुझे लगता है शायद डाउट लगता है कि शायद ना खेलाएं क्योंकि मैच बड़ा है, फिर प्लेयर हैं ज़रूर लेकिन वो उतना परफॉर्म अभी श्योर है नहीं खेलेगा साइम, हाँ तो वो मुश्किल है क्योंकि बड़े मैच का जो है प्रेशर होता है और पाकिस्तान की कोशिश यही होती है कि बड़े मैच में जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर खेलें, तो वही बाबर और रिजवान ओपनिंग कर लेंगे, फखर वन डाउन आ जाएंगे, इफ्तिखार हैं, आजम हैं, तो ये फिर ये कम्बिनेशन होगा, बाकी स्पिनर में आएंगे तो एक शदाब भी बचते हैं या इमाद आ जाएंगे, फिर बाकी चार फास्ट बॉलर तीन फास्ट बॉलर वही जो आपको गिना दिए हैं बासफरीदी निकाल दें आप, उसको तो किसी दौर में लाने ही नहीं है, तो बाकी वो चार में से तीन खेलेंगे तो फिर एक डिसाइड। अच्छा सना भाई चलो मेरा आखिरी सवाल आपसे कि वो मौका का नया ऐड आ गया है, कौन सा नया ऐड आया मौका का, उसमें फिर अब T20 क्रिकेट आ गया है और उनको इंतजार हो रहा है, नहीं पुराना नहीं बस उसमें नया आया कि वो मिठाई देने आते हैं लेकिन फिर वो एक बार मिठाई खाई उन्होंने पाकिस्तान के जो फैन होते हैं उसके बाद वो फिर इंडिया के फैन को मिठाई टीम इंडिया जीतेगी। हाँ मुझे यकीन है इंडिया जीतेगी, मतलब क्या एक बड़े मार्जिन से जीतेगी, फंस के मैच होगा क्या, आपको क्या लगता है? नहीं मैं पर्सनली मैं नहीं चाहता कि बड़े मार्जिन से इंडिया जीते, मैं चाहता हूँ कि मैच अच्छा हो। सही बात है, पाकिस्तान को पाकिस्तान की टीम भी कोई छोटी टीम नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया पाकिस्तान अगर ऑन पेपर देखे तो इंडिया की टीम तगड़ी है, बट अगेन T20 है यार, T20 है, T20 में कोई भी जीत सकता है। फखर जमान का फखर जमान थोड़ा स्टैंड कर गया या इफ्तिखार अहमद पिछले वर्ल्ड कप में ठीक है तो ऐसा हुआ तो मैच पलट भी सकते हैं, बट आप मतलब सीरीज में हमसे पूछे तो मुझे लगता है कि इंडिया फेवरेट है इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन T20 है इस पर ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक आधा बैट्समैन या बॉलर अच्छा परफॉर्म कर जाए, शाहीन अगर अर्ली ऑन दो विकेटें लेते हैं रोहित के कोहली की ले लेते हैं तो मैच खत्म, मतलब आगे आपका फिर आप तो फिर आगे एकदम सही। सिक्स सेंस कह रही है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है, ये रिकॉर्ड पे है ना आपका, रिकॉर्ड मेरी सिक्स सेंस कह रही है हारिस रऊफ इस बार कुछ बड़ा करेंगे। नहीं मुझे अच्छा, जो है ना मतलब ओवर ज्यादा देंगे मतलब रन ज्यादा देंगे बड़ा करेंगे वो मैं क्या वो तो फिर रूटीन होगी ना मुझे लगता है हारिस रऊफ इस बार ना वो सारी जो है ना गिले शिकवे हम लोगों ये क्या हुआ मतलब ये आपके अंदर कैसे ये आया इमोशन यार मेरे दिल में आया जब से न्यूयॉर्क में पहुंचा हूं ना मेरे दिल में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हारिस रऊफ विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मैच। ये हारिस रऊफ के बारे में कह रहे हैं आई डोंट नो ये इंडिया पाकिस्तान है ना, मेरी आप आखिरी पॉइंट नोट कर लें, मुझे नसीम शाह का लगता है कि वो डिफरेंस नसीम शाह के नसीब में कुछ है नहीं मुझे लगता है क्योंकि उसमें ना वो एक यंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये बात है, ये बात अभी एनर्जी है उसमें और इंजरी से भी वो आए हैं वापस तो वो कुछ मुझे उनकी आउटस्विंग बड़ी प्यारी लगती है, वो बड़ी जान मारता है, आउटस्विंग बड़ी जबरदस्त है, विराट को उन्होंने फंसाया भी था। चलिए मेरे साथ दो खास मेहमान दो खास दोस्त मौजूद थे, उम्मीद है किसी कॉन्ट्रोवर्सी में भी नहीं आए हैं, अब देखे ना वो बिल्कुल क्लीन चल रहे हैं, कोई हारिस है ना उसका हीरोइन कोई एक्ट्रेस कुछ नहीं, नहीं नहीं वो तो चलते हैं पीसीबी के साथ कोई इतना सच नहीं चला वो मतलब वो अपना चल रहे हैं, तो इस तरह होता है कि वो प्लेयर फ्रेश माइंड होता है वो क्लियर यार वैसे बोर्ड के साथ तो मेरे हिसाब से वैसे प्लेयर के से ज्यादा पंगे होने भी नहीं चाहिए क्यों, अगर आपको क्रिकेट एशिया में चलते हैं ना शुएब अख्तर जैसा देश भी चलते हैं पाकिस्तान ये एशिया का अनफॉर्चूनेटली है जो कि नहीं होने चाहिए, नहीं नहीं होने चाहिए बात ना कर रहे हैं और ये बोर्ड नहीं ये भी खड़े हो जाते हैं ये वेस्ट इंडीज के बोर्ड भी ये तो वो वेस्ट इंडीज बिल्कुल ही नहीं वेस्ट इंडीज का तो मसला अलग होता है ना पैसों का मसला होता है जो भी रीजन तो है ना कोई हां वो थोड़ा बोर्ड जो है उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता और प्लेयर चाहते हैं ज्यादा पैसा मिले, खैर चलिए वो वेस्ट इंडीज का हेड है कि हम क्यों उसमें पड़े, खैर ये देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, इधर ही बैठे रहे मैं करके दोबारा वो बाहर यार मेरा मोबाइल भारी है।